सर एक सवाल और आता है कि किसी भी बड़ा व्यवसाय को सस्टेन करने के लिए और एक नए लेवल पे और ग्रोथ पे लेके जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सर आपकी प्लानिंग क्या, अभी तक क्या आपने किया, जो किया आपने इतनी जल्दी क्यों किया, और क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को या बिजनेस को बड़ा करने को लेकर के? देखिए पहली चीज को समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरह का होता है जी। मैं कहूं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जी। आपके पास दुनिया भर के वेयर हाउसेज हैं, दुनिया भर की फैक्ट्री हैं, कमाल के ऑफिस हैं, कमाल के आपके पास बाकी के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर आपके पास एक अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं है, आपके पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं है, आपके पास एक अच्छा विजन नहीं है, वो फैक्ट्री क्या करेगी जी? वो ऑफिस क्या करेगा जी? वो प्रोडक्ट रेंज क्या करेगी? कुछ कर सकती है? तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपकी प्लानिंग है और वो आपका विजन है। अब आप एक चीज को समझिए, मेरा विजन ये कहता है कि आने वाले समय में एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। आज आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर करने की बात करते हो, कल लोग इंग्रेडिएंट टू इंग्रेडिएंट कंपेयर करेंगे जी। बिल्कुल सही, आपको नहीं लगता ऐसा होगा जी? जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको क्या लगता है वो क्या कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट, ब्रांड नेम या इंग्रेडिएंट? नहीं सर, 21वीं सदी वाले हैं तो सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ क्या मिला कैसे मिला है। तो अगर इंग्रेडिएंट टू इंग्रेडिएंट कंपेयर होना है तो क्या अब आप ओवरप्राइज्ड हो सकते हैं? मुश्किल सर, पॉसिबल नहीं है कंपिटिटिव प्राइस। हाँ, क्योंकि वो ऑनलाइन वाले हैं ना, वो सब कुछ खोज करके आएंगे, तो इसका मतलब कंपिटिटिव प्राइस होना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, इसे समझिएगा जी, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली भी और फिजिकली भी दोनों ही चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट है, डिजिटली कुछ नहीं हो सकता, आपको फिजिकल बनाना भी पड़ेगा। आप कोई सॉफ्टवेयर तो बेच नहीं रहे जी, आपको साबुन बनाना है तो फिजिकली ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, वेयर हाउस भी करना पड़ेगा, रिटेल आउटलेट्स पे भी लेके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलर के पास भी होना चाहिए, उसके पास भी मैकेनिज्म होना चाहिए वो उसे कैसे सेल करे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही कारण है कि 4.5 साल में हमने जितना फोकस प्रोडक्ट को डेवलप करने पर दिया है उससे इक्वल या उससे ज़्यादा हमने जो फोकस किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किया है, चाहे वो वेयर हाउसेज हैं, चाहे वो हमारी ERPUC हैं, चाहे वो हमारे डिलीवरी एंड पिकअप सेंटर हैं, चाहे वो रीजनल हमारे डिलीवरी एंड पिकअप सेंटर हैं, चाहे वो हमारे ओके कॉर्नर हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस है, चाहे वो अब हमारा रीजनल ऑफिस गुवाहाटी में बनने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमने तेज़ी से 4.5 साल में काम किया, और शायद ही किसी कंपनी ने इस स्केल पे पहले 4.5 साल में काम किया, एंड वी आर प्राउड कि हम लोग उसे कर पाए, और फ्यूचर को लेके 2025 तक हमारा जो विज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी का थॉट प्रोसेस हो सकता है कि वो 10 करोड़ डायरेक्ट सेलर लेके आएगा, 5 करोड़ डायरेक्ट सेलर लेके आएगा, ये लेके आएगा। मेरा थॉट प्रोसेस है कि हम 50 लाख कस्टमर बेस कनेक्ट करेंगे, और ये 50 लाख जो कस्टमर बेस हम कनेक्ट करेंगे, हम ये मानते हैं कि ऑन एन एवरेज जो परचेज हमसे करेंगे ये 2-1 हज़ार रुपये की परचेज हमसे मंथली करेंगे, जो इनके घर पर चाहिएगा। क्योंकि हम लोग स्पाइसिस में हैं, हम लोग नमकीन में हैं, हम लोग पिकल्स में आने वाले हैं, हम लोग सोसेस में आने वाले हैं, हम लोग एनर्जी ड्रिंक में आने वाले हैं, हम लोग वेलनेस के अंदर हैं, पर्सनल केयर के अंदर हैं, FMCG के अंदर हैं, हमारे पास बड़ी रेंज है और ये रेंज और बड़ी होगी। तो मेरा मानना ये है कि कोई 200 रुपये का खरीदेगा, कोई 5,000-7,000 का भी खरीदेगा, ऑन एन एवरेज आपकी 2,000 की सेल होगी। तो हमारा टारगेट है 2025 हम एटलीस्ट 50 लाख कस्टमर बेस के साथ जाएं, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर बेस को लाखों करोड़ों तक ले जाने की जरूरत है। बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर बेस के साथ, बहुत कम डायरेक्ट सेलर्स के साथ हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बेचने वाले कम रहेंगे, खरीदार ज़्यादा रहेंगे, तभी बेचने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, खरीदार इतने से रह जाएंगे, तो बेचने वालों के हिस्से क्या आएगा? अभी क्या हो रहा है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत कम हैं, बेचने वाले के हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कंपनी कमा रही है, क्योंकि सारे बेचने वाले भी खरीदार बन जाते हैं, सारे तो खर नहीं बनते, कुछ एक उनमें से बन जाते हैं, कुछ एक खरीदार होते हैं, तो कंपनी तो इन टोटलिटी कमा लेती है, लेकिन सेक्रीफाइस ये लोगों को जोड़ जोड़ के बड़ी बेचने वालों की भीड़ बना के प्रॉफिट किसका बट रहा है? बेचने वाले का जी, बिल्कुल सही है। तो बेचने वाले कम रहे और खरीदार ज्यादा रहे तो बेचने वालों का मुनाफा ज्यादा होगा, बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदार कम है तो बेचने वालों का मुनाफा कम होगा। ये सिंपल सा गणित है, लेकिन साहब बहुत सारे लोगों के गले से नीचे उतरेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि उनके हित कहीं जुड़े हुए हैं और ये बात उन हितों के खिलाफ लगेगी उन्हें। वो इस पे भी बोलेंगे, अरे ये तो कस्टमर सेंट्रिक हो रहे हैं। यस सर, हम कस्टमर सेंट्रिक हो रहे हैं, और जहां ग्राहक है ना वहीं बिजनेस है, और जहां बिजनेस है ना वहीं कमाई है, और जहां कमाई नहीं है ना साहब वहां ग्राहक भी नहीं है। ग्राहक है ही नहीं तो कमाई कहां से लाओगे, और आप कब तक टिकोगे? किसी को 5 साल के बाद कंपनी बदलनी पड़ेगी, किसी को 10 साल के बाद, किसी को 15 साल के बाद। हम नहीं चाहते साहब, हम चाहते हैं हमारे साथ काम करने वाले लोग लिमिटेड हों, खरीदार ज्यादा से ज्यादा हों, ताकि हमारा हर एक एक डायरेक्ट सेलर रिटेल प्रॉफिट से कमाई शुरू करके और एक अच्छी इनकम ले, और उसके बाद वो यहां से रिटायर होने का प्लान कर सके। वो ये कहे कि भैया ये मेरी पहली और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैंने काम किया है। लोग हिंदुस्तान लीवर के साथ रिटायर हो गए, अगली जनरेशन काम कर रही है। लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ रिटायर हो जाएंगे, लोग डाबर के साथ रिटायर हो जाएंगे, लोग बैद्यनाथ के साथ रिटायर हो जाएंगे, लोग किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ रिटायर हो जाएंगे, तब जाके मुझे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, ये इंडस्ट्री सही दिशा में जा रही है। और ये तब ही पॉसिबल है जब खरीदार ज़्यादा हों और बेचने वाले परसेंटेज वाइज रेशो वाइज कम। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि एक बार भी आपने हमारी गाड़ियों के हमें प्रमोट किया स्टेज के ऊपर में कि आपको बिजनेस नहीं चाहिए? आप गाड़ी ले आए, आप लग्जरी गाड़ी ले आए, आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में आपने नहीं पढ़ाना शुरू किया?